Hey guys, welcome to my YouTube channel Monica Vlog में आपका सभी का स्वागत है। तो आज है 21 जनवरी, तो आज है मेरा फास्ट। बहुत लोगों को आज होगा फास्ट, आज सकट का फास्ट है। तो अभी मैं बस नहा के बस अब रेडी हुई हूँ। अभी सारा काम ख़त्म हुआ है मेरा और मैं नहाकर अभी भी रेडी हुई हूँ। और सकट का फास्ट आज है, तो सकट के आपका कैसे होता व्रत आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे तो तिल की पूजा होती है, काले और सफ़ेद तिल की पूजा होती है। आज काले सफ़ेद तिल की और गुड़ की पूजा होती है, गणेश भगवान जी का व्रत होता है, बच्चों के लिए रहता है। तो ऑलरेडी सारा काम ही हो चुका है, आप देखते हैं अभी और क्या करना है। और आज तो व्रत है, तो आज हमें तो पानी नहीं पीना नहीं है, तो मैं राजमा चावल और रोटी वगैरह बना दी थी। तो ये टिफिन लेकर भी गए, खा कर भी गए, और वैसे मेरा काम सारा हो चुका है। बाबू भी ट्यूशन जाएगा, बस अब मैं बाल सो जाऊंगी और थोड़ा सा मेकअप करूंगी, और रात को ही चाँद निकलने के बाद ही आज हम व्रत खोलेंगे। तो देखते चाँद कितने से निकलता है, क्योंकि जिस दिन सकट का और या फिर करवा चौथ का व्रत होता है तो आपको पता ही है चाँद बहुत लेट में निकलता है, बहुत लेट में निकलता है। और पिछली बार तो हमने ना चाँद भी नहीं देखा था, तो बहुत लेट में निकला था। मतलब वेट करते करते 11 बज गई थी हमें सकट के व्रत में, तो यहाँ पर चाँद दिखाई नहीं, तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो 11 बजे के बाद तो निकला, तो फिर हमने देखे तब हमने अपना व्रत खोला था। आज ना अपने मैं अपनी पूजा भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं पूजा कैसे करती हूँ और मैं क्या पहनूँगी रात को, वो भी मैं दिखाऊँगी आपको। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में लास्ट तक, तो आगे आगे देखिए, फिर आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। मैंने अपने बाल सुलझा लिए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ, चलते थोड़ी देर धूप पे बैठने। ये है वैभव, घूम रहा है। ट्यूशन की तैयारी हो गई तुम्हारी, सारी पढ़ाई हो गई? हाँ मेरी तो हो ही गई, आज मेरा डिक्टेशन टेस्ट है। डिक्टेशन टेस्ट है, रेडी कर लिया? तो इसका डिक्टेशन टेस्ट है और आज मुझे फिर गोल्ड मिलेगा। मुझे ना मेरे सर में ना कल से बड़ा दर्द हो रहा है, रात से ही बड़ा दर्द हो रहा है। तो अभी मैं ना थोड़ा सा बाम लगा के ना थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि दवा खा नहीं सकते हैं आज, जुकाम भी मुझे बहुत है। तो सर में भी बाम लगा के थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, फिर शाम की पूजा स्थान पर तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। देखिए मैंने बताया था आपको हमारे यहाँ तिल और गुड़ की पूजा होती है, तो तिल और गुड़ और शकरकंजी, लाल वाली जो शकरकंजी होती है उसको हम लोग रखते हैं, और उसको लगाने के बाद उसमें बीच बीच में हम, क्योंकि चौथ का व्रत होता है, इसमें चार चार चीज़ें रखी जाती है ज़्यादातर। तो इसमें देखिए हमने चार शकरकंजी रखी है, चार जगह वो तिल और गुड़ का भोग लगाया है, और चार पाँच हमने ये लिए, चार तरह के फल होने चाहिए जिसमें, तो मैंने अंगूर लिए थे, गाजर लिया था, केला लिया था, तो ये सब है। और हमने देखिए तिल और गुड़ का प्रसाद भी बनाया हुआ है, यहाँ हमारे कच्चे चावल भी चढ़ते हैं, और ये गंगा जल जिससे हमने इनका आचमन किया हुआ है, इनके पास घी का दिया जलाए होते हैं। और ये गौरी गणेश, आप सोच रहे हैं कि ये जो होते हैं ना, ये होते हैं हमारे गणेश भगवान, ये सुपाड़ी होती है, और ये होते हैं गौरी जी। ये हम इनको जब हमारे यहाँ पूजा होती है या कोई शुभ काम होता है तो हम इन दोनों को रखते हैं, ये हमारी करवा चौथ में भी रखे जाते हैं साथ में दोनों। तो बस अब यहाँ पर ये पूजा हो गई है हमारी, ये देखिए अभी चाँद निकला नहीं, अभी मुझे चाँद को अर्घ देना है। और अभी जब चाँद निकल जाएगा इसके बाद ही मैं अर्घ देने के बाद अब कुछ खाऊंगी, खाना
वगैरह तो कुछ खाना नहीं मुझे, तो सिर्फ मैं दूध पीऊँगी और ऐसे कुछ ऐसे ही फल वल पीऊँगी बस, और खाना तो हम कल ही खाएँगे। पानी वगैरह भी नहीं पी सकते किसी मन की, तो ऑयल वाली नहीं पीता है, और उसकी वजह से फिर ऐसे हो रहा है बिल्कुल सब। तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरे बात से हो जाएगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब सी हो गई। फाइनली हो गई है मेरी पूजा, और मैं ना बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा है, अपने दाँत में लेटने के लिए। तो बस आज की मेरी पूजा हो गई है, बस आना आपने कैसी की पूजा। अभी मैंने चांद देखा है, देखा टाइम कितना ज़्यादा हो रहा है, 11 बजे जब यहाँ पर मुझे चांद दिखता है, तो अभी मैंने अर्घ दिया, तो बस मेरी पूजा हो गई है। तो आपने सतर्क का व्रत आप कितने रखा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो भगवान आपके बच्चों को ठीक रखे, आप सभी को ठीक रखे, और जिसके पास अभी भी जिसकी नहीं वो है, जिसके पास अभी बच्चे नहीं है, उनको भगवान जल्दी ही उनको खुशखबरी दे, तो सबके लिए अच्छा हो, ये साल भी अच्छा हो और सारे त्यौहार सफल हो सभी के। तो बस आज इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, और अब मैं आराम करूँगी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बस ठीक है, गुड नाइट।